डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडो लॉन्चर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एडो लॉन्चर पे। बच्चों, ऑलरेडी हमने 2.1 से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स है वो कवर कर लिए हैं। आप उसका वीडियो देख लीजिए, तब ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना 2.1 एक्सरसाइज। तो पहला ही सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि बहुत आसान सवाल है ये, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी। तो फर्स्ट लिख लेते हैं हम कोई भी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद सभी बच्चों को समझ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। अगर आप वो देख लेते हो तो ये क्लास आप 15 से 20 मिनट आधे घंटे में समझ सकते हो और खुद से एक्सरसाइज कर सकते हो। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये तो आपको खुद को होमवर्क भी मिल जाएगा तो भी आप कर लोगे। इसके अलावा आप दो इक्वेशन और लिख लो। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूल्स बता दिए बच्चों डिसाइड करने के। सबसे पहला रूल क्या था कि हाईएस्ट पावर कितना चाहिए, हाईएस्ट पावर मस्ट बी टू, टू से ज्यादा और टू से कम नहीं चलेगा। एंड ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल चाहिए उसमें। चलो इसको देखते हैं हम, क्या ये हाईएस्ट पावर टू है, है क्या इसके पास एक ही वेरिएबल है, है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज हाईएस्ट पावर टू एंड ओनली वन वेरिएबल। क्लियर। दो कंडीशन ध्यान रखो पूरी एक्सरसाइज का। ये जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, वो आराम से निकल जाएगा आपसे, वो कि हाईएस्ट पावर टू चाहिए और एक ही वेरिएबल चाहिए। ओके, चलिए नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हमने एक चीज पढ़ी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंडेक्स फॉर्म जनरली वैसा ही रहेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए और एक ही साइड में रहना चाहिए। तो कैसा है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू जीरो। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ के लिखेंगे इक्वेशन y स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली वन वेरिएबल। आगे पीछे भी लिखोगे चलेगा, वेरिएबल एक ही है एंड हैज हाईएस्ट पावर टू। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, टू। दो ही रीजन है, दो रीजन अगर सेटिस्फाई करके तो वो क्वाड्रेटिक रहेंगे। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते। सो क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो अगर जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा वो देख के ही बता देगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, वाई क्यूब, और ये बन जाएगा क्यूबिकल इक्वेशन। तो यहाँ लिखते हैं हम मल्टीप्लाई वाई टू बोथ साइड्स। यहाँ जाएगा y स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन बाय वाई इंटू वाई इज इक्वल टू टू इंटू वाई। ये हो जाएगा y क्यूब प्लस y से y कैंसिल वन, ये हो जाएगा टू वाई क्यूब माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो लिखना इक्वेशन y क्यूब माइनस टू वाई प्लस वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन because it has highest power 3। यही पे खत्म हो गई बात, फिर तो रिश्ता खत्म यही पे। चलिए आगे बढ़ते, क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक हो सकता है। बिकॉज देखिए बच्चों, अब ध्यान रखो कि नीचे जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो सबसे, तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई, क्वेश्चन लिखने के बाद
multiply x to both sides, x to both sides, ये हो जाएगा x into x plus 1 by x into x is equal to 2 into x, ये हो जाएगा x का square plus ये दोनों cancel, तो यहाँ आ जाएगा 1 is equal to 2x. अब side change करना, तो यहाँ आ जाएगा x square minus 2x plus 1 is equal to 0. तो यहाँ लिखेंगे equation x square minus 2x plus 1 is equal to 0 has highest power 2 and only one variable. ओके क्लियर क्लियर बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं. क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? जी हाँ, ऐसे तरीके के इक्वेशन भाई और बहनों हमारे दोस्तों वो क्वाड्रेटिक होते हैं. क्या करना है हमें, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार. यहाँ पे देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस में करना क्या रहता है, पहले ब्रैकेट के टर्म्स को उनके घर से बाहर निकालना और दूसरे ब्रैकेट के टर्म को वैसे के वैसे उनके आगे लिखना. चलिए समझाता हूँ. पहले ब्रैकेट के टर्म मतलब m को हमने बाहर निकाला, इसके आगे जस्ट लिख लिया m माइनस फाइव, दूसरे ब्रैकेट को प्लस टू भी बाहर निकाला और फिर से लिखोगे m माइनस फाइव. अरे वाह सर वाह, अरे जियो सर जियो, m और ये m माइनस फाइव आगे प्लस टू फिर m माइनस फाइव उसके आगे m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर, m और ये प्लस माइनस माइनस m इंटू फाइव ये हो जाएगा 5m प्लस 2 इंटू m 2m प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10, यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ओके क्लियर क्लियर. तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन वा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक बिकॉज इट हैज गूंज रही है क्या आवाज, इको हो रहा है क्या, इट हैज हाईएस्ट पावर टू एंड ओनली वन वेरिएबल. ओके क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? देख के ही समझ रहा है ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक का फैमिली का नहीं है. चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं या फिर रहने देते हैं. यहाँ लिख देता है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब इज नॉट क्वाड्रेटिक बिकॉज इट हैज highest power 3. यही पे बात खत्म हो गई हमारी. सॉरी 6 लिख दिया, अरे भावनाओं में आके 6 लिख दिया. तो हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए बी सी की वैल्यूज लिखना है. मतलब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ए बी सी की वैल्यूज लिखना है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं हम 2y is equal to 10 minus y square, इनकी साइड चेंज करते उधर, तो ये हो जाएगा plus y square minus 2y minus 10 is equal to 0. फिर इसके बाद लिखना हम comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. So therefore a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c is equal to आ जाएगा minus 10. ओके क्लियर, c इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस 10. चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ. अब ये सवाल देख के हमारा बीपी हाई हो जाता है सर, ऐसा स्क्वायर वेयर दे दिया तो हम क्या करें, समझाता नहीं है. देखिए बच्चों वहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है. सर ये तो पता है हमको लेकिन इसको लगाते कैसे, फार्मूला तो लर्न है लगाते कैसे, अब हम समझाएंगे. डोंट वरी, एडल लॉन्चर इज विद यू. क्या करना है देखिए, पहले वाले टर्म का स्क्वायर करना, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, इतना समझ गया. यहाँ जो भी होगा उसका स्क्वायर करना, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 into x होगा और उसका डबल करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, तो हो जाएगा 2x. बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस 2x,
फिर 1 का स्क्वायर करो और ये प्लस 1 होगा, हमेशा स्क्वायर प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्लियर, इनके साइड चेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, ये इधर जाएगा तो माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे हम कि कंपेयरिंग कंपेयरिंग कंपेयर करना, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ई की वैल्यू हो जाए 1, बी की वैल्यू हो जाए माइनस 4 और सी की वैल्यू हो जाए माइनस 2। इजी पीजी चिल, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारे पास ये सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स, ये 3 और ब्रैकेट में x आ जाएगा माइनस में। चलिए इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिए, मुक्त कीजिए उसको जिंदगी से, मुक्त कीजिए मोह माया से, दूर कीजिए बच्चा लोग। माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये x इधर आएगा तो माइनस x, ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों 4x, सीरियस चलिए सीरियस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंपेयर करना है, अब कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 4 एंड सी की वैल्यू आ गई 3, सी की वैल्यू आ गई 3। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3m square is equal to 2m square minus m। तो इसके साइड चेंज करना, सबसे पहले चीज तो वही है कि साइड चेंज करना है आपको, 3m square minus 2m square plus 9 is equal to 0। इसके साइड चेंज हुई माइनस, इसके साइड चेंज हुई माइनस का हो गया प्लस, 3 minus 2 ये हो जाएगा 1m square plus m is equal to 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा आएगा, m square बीच में कोई टर्म नहीं है तो 0m plus 9 is equal to 0। ये लिखते हैं हम comparing with standard form of quadratic equation। क्या है, ax square plus bx plus c is equal to 0। तो a की वैल्यू आ जाए 1, b की वैल्यू आ जाए 0 और c की वैल्यू आ जाए यहाँ 9। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ दिया है p और यहाँ बड़ का p है, यहाँ छोट का p है, तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है मिस्टेक तो सबसे हो सकती। तो p यहाँ जाएगा 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5। इस p को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3p इंटू 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 18p स्क्वायर माइनस 5। इस माइनस 5 को साइड चेंज करो तो 18p स्क्वायर प्लस 3p, इसको आगे और इसको पीछे कर देना, तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं सेम साइड है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 5 को साइड चेंज कर दे तो प्लस 5। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वा का है ex square plus bx plus c। तो therefore a की वैल्यू आ गई बच्चा बाटी 18, b की वैल्यू आ जाए 3 और c की वैल्यू आ जाए 5। क्लियर, कितना आसान सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया इक्वेशन ये, x square minus 9 is equal to 13। 13 के साइड चेंज करो, x square minus 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सर। वेरी गुड, देयर फॉर फ्रॉम हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू -22। ओके क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ बोला डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बताओ कि ये जो वैल्यूज दी गई है क्या ये रूट्स हैं। तो बच्चों ये ध्यान दो कि रूट्स है और नहीं है ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो बहुत भारी दुविधा हो गई हमारे लिए। डोंट वरी, एडो लॉन्चर विद यू। ये डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड करने के लिए क्या है कि अगर जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो, अगर जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो, अगर जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो उसको सॉल्व करने के बाद दोनों साइड जीरो आया, दोनों साइड जीरो आया, इक्वल टू में सेम नंबर आया, जीरो आया, तो फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 है और x की वैल्यू माइनस 1 भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन वा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 बच्चों 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। सो बोथ साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर बोथ साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये रूट हो जाएगा। अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती तो वो रूट नहीं होता। क्लियर, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ x square plus 4x minus 5 is equal to 0। clear clear बच्चा पार्टी। चलिए इसी को हम second इसमें करते हैं। अभी क्या करना है हमें, now put x is equal to minus 1 in equation वा x square plus 4x minus 5 is equal to 0। square में put करते हैं, यहाँ पे equation में put करते हैं, तो minus 1 का square plus 4 minus 1 minus 5 is equal to 0। माइनस वन का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, माइनस वन का स्क्वायर बिल्कुल भी गलती से ये मत कहना माइनस हो, माइनस वन का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, तो बिल्कुल भी गलती से ये मत कहना कि माइनस वन होगा सब, बिकॉज माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस 9, 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यू दी गई है 2 या फिर 5/2। चलिए इसको करते हैं हम, तो यहां लिखेंगे आगे हम पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। m की जगह पे बच्चों आपको क्या पुट करना है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 विच इज माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट नहीं रहेगा उसका क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया इसने, जीरो के इक्वल में नहीं आया वो। नाउ पुट 5/2 m इज इक्वल टू 5/2 m इज इक्वल टू 5/2 इन 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 यहाँ आ जाएगा 5/2 का कुछ भी नहीं 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 into 25 upon 4 minus 5 is a 25 upon 2 is equal to 0. 2 से यहाँ cancel 2 आ जाएगा 25/2 minus 25/2 is equal to 0
ये देखिए सेम सेम दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम सेम, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, एम इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ 2m² माइनस 5 um इज इक्वल टू 0। क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड के इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसका रूट दिया हमें x इज इक्वल टू 3, तो फाइंड करना है k की वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर आपको कभी बोला गया कि ये रूट है और k की वैल्यू निकालो, तो है तो पुट कर दो, सिंपल यहाँ लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करिए के एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 के 10 थ्रीजा हो जाएगा बच्चों 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो 9 के माइनस 27 इज इक्वल टू 0, माइनस 27 के साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस 27, सो के इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 9, सो के की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर 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 क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, कोई एक रूट, क्योंकि दो रूट हो सकते हैं, एक इक्वेशन के दो रूट हो सकते हैं, तो वन ऑफ द रूट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5m² प्लस 2m प्लस k का माइनस 7/5। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, इक्वेशन क्या है, 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, और यहाँ m की वैल्यू कितना रखना पड़ सकता है हमें, माइनस 5, तो फाइंड क्या बोला गया है हमें, k। चलिए सॉल्व करते हैं, पुट m इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना आ जाएगा वैल्यूज पुट करने के बाद, 5 7/5 माइनस 7/5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। 5 माइनस का भी स्क्वायर प्लस होगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ आ जाएगा 5 × 5 लिखते, क्योंकि ये 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 से 5 कैंसिल, प्लस प्लस यह हो जाएगा 2 × −7 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस के, इस के की साइड चेंज कर दी हमने माइनस के आगे, तो यह हो जाएगा 49 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5, नीचे का नंबर सेम सेम लिख लिया, ऊपर का नंबर माइनस कर दो, जब नीचे का नंबर सेम रहता तो वैसे का वैसा लिख लेता, सो माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, 49 माइनस 14 35 डिवाइडेड बाय 5, तो माइनस के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 7, एंड फाइनली के इज इक्वल टू −7, के इज इक्वल टू −7। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये समझ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू एंड यूअर ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व बाय दिस वीडियो ओनली। नो, चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली है, हम मिलते हैं अपने सेकेंड एक्सरसाइज के वीडियो में, जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय।